सो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज की इस खास वीडियो के अंदर बहुत जरूरी अपडेट, एक बहुत जरूरी आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं आज आप सब लोगों के सामने लेके आया हूं। बहुत सारे सवाल जब आपके जो सेशंस होते हैं वो क्यों होते हैं, ताकि हमारे सवालों के जवाब हम सब लोगों को मिल पाए। हमारे सवालों के जो जवाब हैं, यानी कि हमें कहां कहां मुश्किलें आ रही हैं किसी भी चीज को अपडेट करने में, किसी भी काम को करने में, या किसी भी प्रोफाइल को बनाने में, या किसी भी पार्टिकुलर चीज को जो है सिलेक्ट करने में या ओपन करने में, तभी हम सब कुछ जो है सीखने की कोशिश करते हैं। उससे पहले हम कभी भी कुछ सीखने की कोशिश करते ही नहीं है। तो आज कुछ ऐसी ही एक स्पेशल चीज मैं आपको बताने वाला हूं, उसका सॉल्यूशन मैं देने वाला हूं, जिससे कि बहुत सारी चीजें आपके सामने शॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो दोस्तों, मेरा नाम है मनेंद्र सिंह गोला और आप जुड़े हुए मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से। पहली बार अगर मेरे चैनल पे हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज यहां पे हम लेटेस्ट अपडेट आपको लेके आते रहते हैं रिगार्डिंग ऑन पैसिव ओ नेट के बारे में। एक सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन चल रहा है, या यूं कहें कि बहुत सारे लोगों को दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, किस चीज को लेकर के आ रही है, ये खास तौर से उन लोगों के सामने दिक्कत आ रही है जो मल्टीपल आईडी लेकर के बैठे हैं। मल्टीपल आईडी, और उसमें भी मल्टीपल आईडी कौन सी, जिसमें आपके बच्चों की आईडी है, जो कि जिनकी उम्र 18 साल से कम है। अब जिनकी उम्र 18 साल से कम है तो आप उनको आगे किस तरीके से प्रोफाइल में एंटर करेंगे, क्योंकि जब प्रोफाइल में कोई भी डेट ऑफ बर्थ मांगी जाती है तो उसमें 18 साल की ही उम्र मांगी जाती है। 18 साल से अगर कम उम्र अगर उसमें हम फिल करते हैं तो हमारा वो जो सिस्टम है या हमारा एप्लीकेशन है, हमारा टूल है, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। तो इस कंडीशन में हम क्या करें? तो ऐसे जिनके पास मल्टीपल आईडी हो, खास तौर से जिनके पास बच्चों की आईडी है, बच्चों की आईडी कभी भी 18 साल से ऊपर तो हो ही नहीं सकती, ये तो 18 साल से नीचे ही होंगे, तो उनके साथ दिक्कत है। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करें, ऐसी कंडीशन में हम क्या करें? तो इसके लिए जो मैं आपको सॉल्यूशन देने वाला हूं, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके पास मल्टीपल आईडी है 2, 3, 4, 5, 6, फिर आप उसमें जितनी भी आपकी आईडी है, तो सबसे पहले तो आप उन आईडी को अलग अलग करें, मतलब अपनी एक कॉपी पे लिख लें कि ये हमारी 3 आईडी बच्चों की हैं और 3 आईडी ये हमारी हैं, यानी कि एक हमारी है, एक हमारे बीबी की है और एक किसी और की है, या 2 मान लीजिए, एक हमारी है, एक हमारे बीबी की है और बाकी के हमारे 3 आईडी हमारे बच्चों की हैं। तो इस तरीके से पहले उन दोनों सभी आईडियों को आप अलग अलग करें, यानी कि मैच्योर और अनमैच्योर आईडी को आप अलग अलग करें। जो 18 साल से ऊपर पे जो आपकी जो आईडी लगी है उनको अलग, 18 साल से नीचे है उनकी आईडी अलग, पहला काम तो ये करेंगे। उसके बाद जो बच्चों की आईडी है उनको आपको क्या करना है, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपकी जो मैच्योर आईडी है उसका क्या करना है। हमारे ओन नेट के अंदर जब हम प्रोफाइल को बनाते हैं तो उसमें डेट ऑफ बर्थ मांगी जाती है। अभी हम कोई भी और भी एप्लीकेशन हमारे सामने ऐसी और आने वाली है जिसमें डेट ऑफ बर्थ मांगी जाएगी, तो जिस एप्लीकेशन में, जी हाँ, जिन एप्लीकेशन में डेट ऑफ बर्थ मांगी जा रही है, तो उन सभी एप्लीकेशन में केवल और केवल आप मैच्योर वाली जो आईडी है 18 साल से ऊपर वाली, उन्हीं को ही, उसी आईडी पर ही वो प्रोडक्ट एक्टिव करें। पहली बात मैं दोबारा से बता रहा हूं कि जो आपके 18 साल से ऊपर के लोग हैं या 18 साल से ऊपर की जो आईडी है और किसी भी टूल के अंदर आपकी डेट ऑफ बर्थ मांगी जाती है, तो उस टूल को यूज करने के लिए आप केवल उसी आईडी से ही एक्टिव करें जो 18 साल से ऊपर की हैं। बच्चों की आईडी से उस टूल को आप एक्टिव ही ना करें अभी, जब तक ये प्रॉब्लम शॉर्ट आउट नहीं हो जाती है। हो सकता है कि शॉर्ट आउट ही ना हो, क्योंकि 18 साल उम्र बहुत ज्यादा जरूरी होती है सोशल मीडिया के ऊपर, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ये एक वर्ल्ड वाइड प्लेटफॉर्म होता है, इसमें बच्चों का तो कोई काम ही नहीं है। तो यहाँ पे फिर बच्चों की आईडी के साथ आप क्या करेंगे, बच्चों की आईडी के साथ फिर आप बच्चों की जो आईडी ओपन करेंगे, फिर आप उसमें ओनेट नहीं चला सकते। इसके अलावा अगर कोई दूसरा भी टूल अगर आता है जिसमें डेट ऑफ बर्थ मांगी जाती है, तो वो टूल आप अपने बच्चों की आईडी में नहीं चला सकते। डजंट मैटर, नहीं चला सकते कोई बात नहीं है, लेकिन इसके अलावा हमारे पास ऐसे और भी बहुत सारे टूल्स हो सकते हैं जिसमें कोई भी डेट ऑफ बर्थ नहीं मांगी जाती है। तो आप
जिसमें डेट ऑफ बर्थ नहीं मांगी जाती है, इस कंडीशन में जो बच्चों की आपकी आईडी है, उन बच्चों की आईडी से उन टूल्स को आप एक्टिव करिए, उन टूल्स को आप बच्चों की आईडी से भी एक्टिव करिए और प्लस आपकी आईडी से तो एक्टिव वो हो ही जाएंगे। तो एक समाधान तो ये है। उसके बाद अगर आप सोशल मीडिया पर काम करना चाहते हैं, अपनी हर एक आईडी को आप यूज भी करना चाहते हैं, सोशल मीडिया पर काम करने का मतलब आप ओ नेट में पोस्ट भी शेयर करना चाहते हैं, फ्रेंड्स भी बनाना चाहते हैं और भी बहुत सारे उसमें एक्टिविटी है, वो सारी एक्टिविटी आप करना चाहते हैं, तो इस कंडीशन में आपको अपनी जो मैच्योर वाली आईडी है उसी का ही इस्तेमाल करना है, जो 18 साल से ऊपर की आईडी है उसी का ही इस्तेमाल आपको करना है। इतना आप ध्यान रखें, किसी भी 18 साल से उम्र की जो भी आपकी आईडी है उसमें आपको इस टाइप की कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी है, इंगेज जरूर रहना है। अब इंगेज रहने के लिए जरूरी नहीं है कि आप उन सारे प्रोडक्ट को भी आप इस्तेमाल करो, नहीं, आप ऐसा जरूरी नहीं है। आप और भी हमारे प्रोडक्ट हैं जिसमें डेट ऑफ बर्थ नहीं मांगी जाएगी, तो आप ऐसी आईडियों के साथ जिसमें डेट ऑफ बर्थ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप ऐसे प्रोडक्ट को यूज करके आप इन छोटी छोटी जो आपकी 18 साल से कम उम्र की जो आईडी है, आप ऐसी आईडी का आप लगातार इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन पैसिव के साथ इंगेज रह सकते हैं। इंगेज रहना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जी हाँ, अगर आप इंगेज नहीं रहेंगे तो फिर यहाँ पे भी इंगेज रहने के भी फायदे मिलने वाले हैं। एस सर ने कई बार हम सब लोगों को वेबिनार के अंदर बताया है कि अगर आप केवल उस ऑन पैसिव का कोई भी एक प्रोडक्ट सिर्फ आप ओपन करते हो, उसे यूज करते हो, तब भी यहां से हर एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ प्रॉफिट या बेनिफिट यहां पे जरूर मिलने वाला है। तो ये जो मेन रीजन मैंने आपको बताया, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको समझ में आ गया होगा कि अब आपको किस तरीके से अपनी आईडी को मैनेज करना है, 18 साल से ऊपर की और 18 साल से नीचे की जो आईडी है आपको किस तरीके से मैनेज करना है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, जिस टूल के अंदर अगर कोई भी डेट ऑफ बर्थ मांगी जाती है तो आप उस टूल को उसी आईडी से एक्टिव करें जिसमें 18 साल की उम्र पूरी हो गई है या 18 साल से ऊपर के हैं, उसी आईडी से अपने उस टूल को एक्टिव करें और उस टूल पर जो भी एक्टिविटी करें तो आप उसी आईडी के माध्यम से ही करें। और जितनी भी हमारे छोटी छोटी जो आईडिया रह गई है, 18 साल से कम उम्र के बच्चों की जो आईडिया रह गई है, तो आप उन टूल्स को जो है इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें जिसमें 18 साल की उम्र मांगी जाती है, क्योंकि सोशल मीडिया पर ये जो है अलाउ नहीं है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे टूल हैं जिसमें कोई भी डेट ऑफ बर्थ की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप उनको अपने बच्चों की आईडी से भी यूज करें और इंगेज रहें। तो ये एक सॉल्यूशन है हमारे इन आईडियों का, जो आपके बच्चों की भी आईडी है, आपकी भी आईडी है, तो इस टाइप की अगर आपके पास मल्टीपल आईडी है तो इस हिसाब से अपनी आईडी को आप मैनेज कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल और सटीक तरीका है, क्योंकि काम करने के लिए आप जरूरी नहीं है कि आप सारी आईडियों का इस्तेमाल करें। अब लास्ट में मैं एक पॉइंट और बता देता हूं, अब हर एक आईडी पे आपका एपल्स जनरेट होगा आने वाले टाइम में। जी हाँ, ये तो जाहिर सी बात है, हर एक आईडी पर आपका एपल्स जनरेट होगा, लेकिन जिनकी उम्र 18 साल से कम है तो आपको पैसे निकालने में भी आपको दिक्कत आ सकती है। तो इस कंडीशन में आपको सिर्फ एक ही तरीका अपनाना है, हमारे पास वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर का ऑप्शन होने वाला है। अगर आपके बच्चे के आईडी पर अगर कितना भी कमीशन बनता है, $50, $100, $500, जितना भी कमीशन बनता है, तो वो आप कमीशन उसके वॉलेट से अपने वॉलेट में आप ट्रांसफर कर सकते हैं, और फिर आपका तो बैंक अकाउंट पहले से लगा हुआ है ही, तो आप अपने उस पैसे को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। इस तरीके से आप मल्टीपल आईडी को आप मैनेज कर सकते हैं बहुत ज्यादा आसानी से। आई होप आपको ये पूरी की पूरी जो अपडेट मैंने दी आपको समझ में आ गई होगी कि आपको मल्टीपल आईडी, बच्चों की आईडी किस तरीके से मैनेज करनी है। डेट ऑफ बर्थ के बारे में आप बिल्कुल भी चिंता ना करो, इसका कोई ना कोई समाधान जरूर निकल आएगा। अगर कोई समाधान नहीं निकला तो बस आप अपनी मैच्योर वाली आईडी का जम के इस्तेमाल करो, जम के अपनी लिंक को शेयर करो। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। वी आर इन इट टू विन इट।